गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कंसीडर एक्सरसाइज 2.6 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। एक्स माइनस 3 अपॉन 3 एक्स इक्वल टू 2। सॉल्यूशन यहां पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 3x है, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे हमने वन माना, हमें 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल्स टू 2 और इसके नीचे वन माने तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 8x माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो 8x माइनस 3 आएगा और इसको हम करते हैं तो 6x आएगा। ओके, नाउ 8x प्लस में माइनस 6 हुआ तो ये हुआ 3, 8 में से 6 माइनस हुआ कितना हुआ हमारा 2, x हमारा कितना है 3 अपॉन 2, ये x की वैल्यू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 9x अपॉन 7 माइनस 6 एक्स इक्वल टू 15। सॉल्यूशन ये भी वैसी है, 9x अपॉन 7 माइनस 6 एक्स इक्वल टू 15, और इसके नीचे वन माने तो हमारे कॉस मल्टीप्लाई होगा, सब कॉस मल्टीप्लाई का तो जैसा 15 7 माइनस 6 एक्स इक्वल टू 9, 15 से अंदर 105 माइनस 15 से अंदर 19 एक्स इक्वल टू 9। अब हमारा क्या होगा, ये जो 90x है जो घर में देते हैं 105 इक्वल टू 9x प्लस 90 है, कितना हुआ हमारा 99x, और यही वाई की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, LHS RHS के इक्वल होना चाहिए।
ये आपका होम वर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला हुआ है, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेंज, हमें क्या बोला सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ नहीं बन पा रहा है तो आप नहीं सॉल्व कर पाए। ओके अब देखो इक्वेशन हमारे बन गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x + 4 = 3, 7x + 4 5 4 जा 20x, 4 4 जा 16, 7 3 जा 21x + अब हम क्या करें, 12 को इधर ले जाते हैं, 20 को उधर ले जाते हैं, 16 माइनस 12 इक्वल टू 21x माइनस 28, 16 माइनस 4 12 हुआ 24, और 21 में से x माइनस 28 माइनस 7 24x, थस कोई भी डाउट्स हो तो डाउट्स आ सकते हैं, आप स्कूल में पूछ सकते हैं, नोटबुक अपने टाइम चेक चेक करवा लीजिए, चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर वन आप चेक करवा लें। क्वेश्चन नंबर 7 द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द इट्स न्यूमरेटर बाय मीन, डिनोमिनेटर 1 से डिक्रीज कर रहा है,
फिर जो नंबर ऑफ टेन होगा वो होगा 3/2। हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 2 भी फिनिश होता है। वी विल प्रोसीड फर्दर इन न्यू सेशन इन न्यू वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।